हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, यह पोस्टपोन्ड हो गए हैं। 16 अप्रैल को ही यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस रिलीज़ किया था। चलिए वो नोटिस मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ से एडमिशन के सेक्शन में जाना। एडमिशन के सेक्शन में जाने के बाद जो आपका रेड कलर का लिंक होता है, यहाँ पर जाना। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्ज़ाम पोस्टपोन नोटिस UET PET 2020, ये वाला। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो 16 अप्रैल का ये नोट है, ठीक। और नीचे लिखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन पीरियड अप टू 3 मई टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ COVID-19 इन द कंट्री, इट इज़ नोटिफाइड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न डेट UET PET 2020 एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल ऑन 26 अप्रैल टू 10 मई स्टैंड पोस्टपोन। यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के होने वाले थे 26 अप्रैल से 10 मई तक, वो अब पोस्टपोन हो गए हैं। फ्रेश डेट की अगर मैं बात करूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो डिसाइड करी जाएगी जैसे ही 3 मई के बाद जो फर्दर सिचुएशन होगी, फर्दर गाइडलाइंस होंगी गवर्नमेंट की तरफ से। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो फर्दर डेट हैं वो डिसाइड करी जाएंगी, ठीक है। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है, ठीक है। तो यही थी दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट, ठीक है। इस अपडेट को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।